ये है यात्रा तपोवन की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, इस समय हम तपोवन में हैं, लगभग 15,000 फीट हाइट पर। और ये तपोवन जहाँ पांडवों ने तपस्या की, जहाँ से पांडव स्वर्गारोहण के लिए आगे बढ़े, और ये वही तपोवन है। पीछे आप देख रहे हैं शिवलिंग, यही शिवलिंग के नीचे पांडवों ने बैठकर तपस्या की। और जब शिव जी ने दर्शन नहीं दिए, तब गणेश भगवान की उन्होंने आवाहन किया, और उन्होंने गणेश भगवान ने आकर उनको कहा कि अब आप लोग स्वर्गारोहण की तरफ जाएं, स्वर्गारोहण करें। और वही देखिए आप पीछे शिवलिंग में गणेश जी की आकृति दिखाई देती है। आज हम तपोवन में, हमारा तीसरा दिन है और तपोवन का आनंद है। माइनस टेम्परेचर रात में था, -4 टेम्परेचर, और अभी सुबह सुबह सूर्य की किरणें आ रही हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। हरिओम प्रभु जी, अभी हम तपोवन में हैं, और जो मैं आपसे बहुत बात करता रहता हूँ, तपोवनी माता संत सुभद्रा जी की, जो आजकल हरिद्वार में हैं, 90 वर्ष की अवस्था उनकी है, उनकी कुटिया है, और वो यहाँ 9 साल रही लगातार, जहाँ 7 महीने केवल बर्फ होती है प्रभु जी, कुछ और होता ही नहीं है बर्फ के अलावा। और इस पूरे उसमें तपोवन में कोई नहीं रहता है। आप देखो तपोवन की चारों तरफ का अगर एक बार दृश्य देखें धीरे धीरे, ये आप देखेंगे शिवलिंग पर्वत है, उसके पीछे देखेंगे आप ये मेरू पर्वत है, उसके बाद देखेंगे इसके पीछे गंगोत्री है, और ये जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे नीला ताल है, और यहाँ देख रहे हैं जो ब्लैक, इसके पीछे आपको दिखेगी यमुनोत्री। और ये माता जी की कुटिया तपोवन में, इसमें दुनिया की पहली महिला संत हैं जो 9 वर्ष लगातार यहाँ पे रही, जहाँ 7 महीने केवल बर्फ होती है। उस पूरी यात्रा को, उस पूरी वृतांत को उनकी एक पुस्तक है समुद्र से हिम शिखर, उसमें सारा है। और अब ये देखिए, माता जी के एक भक्त हैं मिलोवन, उन्होंने ये देखिए यहाँ पे स्टोन लगाया है, तपोवनी माता संत सुभद्रा की फ्रॉम 90 फॉर मेडिटेशन। तपोवनी माता संत सुभद्रा माता जी ने 1986 से 1985 तक 95 तक यहाँ ध्यान किया। ये उनके भक्त हैं मिलोवन, फ्रांस की, यादगार रहे कि दुनिया की पहली महिला संत जिन्होंने यहाँ पर साधना की। तब यहाँ पर कोई साधक 1 या 2 महीने के लिए आते थे, शीतकाल में कोई नहीं रुकता था, उसके बाद अब कुछ लोग आने लगे हैं, 1 वर्ष, 1 शीतकाल या 2 शीतकाल ही रुक पाते हैं, यहाँ रुक नहीं पाते हैं। ये देखिए छोटी सी कुटिया, अंदर से देखें तो यहीं पर स्टोन दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है। और देखिए अगर मैं अंदर आऊं और आप मेरी अगर फोटो लें कुटिया के अंदर से, तो ये देखिए प्रभु जी, ये है, ये क्या है, चारों तरफ से ये देखिए मिट्टी, और देखिए ये पत्थर ऊपर से कवर्ड हो जाता था, इसमें माता जी रहती थी। देखिए किस हालात में, कैसे उसमें, इसमें माता जी रहती थी। उन्होंने यहाँ रहकर साधना की 1 वर्ष नहीं 9 वर्ष तक, और आज इस स्थान पर मुझे यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने आपको बताया था यहाँ इस शिवलिंग से एक नदी यहाँ पर आती थी, इसका नाम अमर गंगा है, और ये नदी यहाँ से सीधे जाते हुए और ग्लेशियर में मिल जाती है, और ग्लेशियर से फिर ये गौमुख में जाकर निकलती है, गंगा जी कहलाती है। तो अभी ये इस साल देख रहा हूँ ये सूख गई है, 2018 में जब हम तपोवन आए थे इसी मैदान में रहे थे, 10 दिन हमारा तपोवन का प्रवास था, इस बार यहाँ पानी नहीं है, इसलिए सारे टेंट इस पहाड़ी के पीछे एक नदी है,
वहाँ थोड़ा सा जल है, वहाँ टेंट लगे हैं, क्योंकि बिना जल के तो यहाँ रहा नहीं जा सकता है। तो ये देखिए सूख गई है नदी, और माता जी के समय में, सुभद्रा माता जी जब थी तब ये नदी हमेशा रहती थी। सर्दियों में बर्फ हो जाती थी, गर्मियों में पानी रहता था, और यहीं से माता जी पानी लेके जाती थी। और पीने का पानी तो उनको यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर वहाँ से उनको पीने वाला पानी मिलता था। इस पानी को पीना थोड़ा सा मुश्किल रहता था, क्योंकि बिल्कुल जम जाती थी बर्फ़। अब जमी हुई बर्फ़ को आप कैसे पिघलाएंगे, खोदना बहुत मुश्किल था, हार्ड हो जाती थी। तब माता जी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके एक गड्ढा बनाया हुआ था, किताब में जिक्र है, वहाँ से वो पानी लेती थी। और देखिए वो उनकी कुटिया है, वहाँ माता जी रहती थी। ये देखो, इस तरह से मुझे तपोवन में आने का दोबारा सौभाग्य मिला। ये देखी कुटिया जिसमें मैं पहली बार रहा, और उसके बाद में मौनी बाबा की कुटिया में रहा। मौनी बाबा की कुटिया आपको दिखाऊं, बहुत दूर से एक नीला जो वो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मौनी बाबा की कुटिया है, उसमें भी आपको मौनी बाबा से मिलवाऊंगा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तपोवन में 15,000 फीट हाइट पर तपोवन में एक कुटिया है, बंगाली माता जी की कुटिया। मैं 2008 में जब पहली बार आया था, इसी कुटिया में रहा था। थोड़ा सा यहाँ नीचे को एक 2-3 सीढ़ी बना दी थी, अंदर एक गुफा थी, और मैं इसी गुफा में रहा था। गुफा कैसी होती है मैंने आपको बताया है, एक बड़ा सा पत्थर गिरा, उस पत्थर में नीचे जगह हुई, यहाँ से सीमेंट पत्थरों को लाके यहाँ के बना दिया, एक दरवाजा लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर रहने का हो जाता है। अभी वो माता जी का शरीर पूरा हो गया है, माता जी के जो पति थे, बाबा जी थे, वो यहीं तपोवन में रहे, उनका शरीर यहीं पूरा हुआ, और उसके बाद माता जी उनकी याद में हर साल आती थी, समर में गर्मियों में यहाँ आती थी, लोगों की सेवा होती थी, और उसके बाद वो चली जाती थी। देखिए अभी सब कुटिया बंद हो गई है पत्थरों से, और माता जी का अभी कुछ समय पूर्व, 2 वर्ष पूर्व उनका शरीर पूरा हो गया माता जी का, लेकिन ये कुटिया यहाँ पर है। हम लोग कहते हैं कि जंगलों में संत महात्मा कैसे रहते हैं, कैसे साधना करते हैं, ऐसे करते हैं। ये देखिए कुटिया, इस कुटिया में रहना, साधना करना, 6 महीने रहना बहुत मुश्किल काम है प्रभु जी। ये देख रहे हैं आप, ये बरड़ जो है 10,000 फीट की हाइट पर रहते हैं, और यहाँ की घास में नमक होता है, तो वो नमक को चाटने के लिए खास तौर से आते हैं, और पूरे ग्रुप में होते हैं और इकट्ठा नीचे आते हैं, लेकिन चूंकि मनुष्य इनके सामने होता नहीं है तो ये डरते नहीं हैं। ये मेल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मेल है, इसके सींग दिख रहे हैं आपको, और जो वो छोटे दिख रहे हैं, ये देखना, ये फीमेल है, ये देखिए, इसके सींग नहीं है, ये फीमेल है, ये मेल है, देखिए। और ये झुंड में आते हैं, 10,000 फीट की हाइट से 15,000 फीट हाइट तक रहते हैं, और ये कुटिया के सामने ही हैं, जहाँ मेरा आसन है, मेरी कुटिया है, उसके सामने ये आए हुए हैं। और देखिए, और अभी ये यहाँ की घास में नमक होता है, और इनको लिए नमक के लिए ही ये नीचे आते हैं ऊपर से, और बर्फ़ में रहते हैं। ये मैना है, कौवे जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी चोंच पीली होती है, और ये 10,000 फीट हाइट के बाद ही रहते हैं। यहाँ तो 15,000 फीट हाइट है, और बस भोजन की तलाश में रहते हैं, और यहाँ जो लोग आते हैं, अगर उनके हाथ में कुछ है तो वो देखते ही आ जाते हैं, और खाने के लिए बिल्कुल आपके करीब आ जाते हैं।
तो ये देखिए पहाड़ी मैना। श्री कृष्ण गोविंद। हाँ। आजा। जल्दी आओ श्री कृष्ण, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो 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 लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो लो। लो ये रखा, लो ये लो ये लो, आ जाओ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो जाओ लो। ये ब्रह्म कमल है, ये देखिए ब्रह्म कमल। नहीं, परसों से शुरू। इस समय हम तपोवन में हैं। तारीख के मुताबिक 16 है और तिथि के मुताबिक है। ये ठाकुर जी का विग्रह है, ये देखिए। रवि 19 तारीख को आएगा। ये ब्रह्म कमल है, नवरात्र। ये कुटिया है बाबा जी की, मानी बाबा की कुटिया, इसको देखेंगे। ये कुटिया है मानी बाबा की। और यहाँ मेरे रहने का है, यहाँ रहे। मैं तपोवन में इस स्थान पर रह रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक छोटी सी ये दरवाज़ा है और इसको अंदर खोलेंगे तो देखिए इस तरह से है। ये देखिए एक और दरवाज़ा आता है। इस दरवाजे को भी जब खोलते हैं तो ये मेरा बिस्तर है। ये देखिए चारों तरफ से ये प्लास्टिक की वो लगी हुई है, ये देखिए। और ये मेरा बेड है, ये मेरा बैग रखा हुआ है और यहीं पर मैं रहता हूँ तपोवन में। ये देखिए हरिओम प्रभु जी, ये तपोवन में हमारी कुटिया है। आपको दिखाया बाहर से हमने एक छोटा सा दरवाजा, फिर गैलरी, फिर छोटा सा दरवाजा और उसके बाद देखिए कितनी सुंदर कुटिया। जंगल में मंगल, यहाँ कंबल है, रजाई है, सब सामान है। और यहाँ पर आज 3 दिन हो गए तपोवन में। अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो जाने की तैयारी करने में मुझे यहाँ पर जो व्यवस्था है वैसी बनानी पड़ेगी। ये देखिए ये मेरा बैग है, सारी तैयारी है मेरी। अब मैं आज तैयारी कर रहा हूं अपनी जाने के लिए। तो बहुत आनंद रहा आप लोगों के साथ, तपोवन की यात्रा भी की। कल यहां पर रात में -9 टेम्परेचर था 3 बजे, सुबह 3 बजे यहां का टेम्परेचर था -9, अंदाज लगाइए। और आनंद आया। अब मैं तैयारी कर ले रहा हूं जाने की। मुझे वही पहनूंगा क्योंकि मुझे करना है ये बाबा जी का
छत्र छाया हो गई, बस हो गई तैयारी। अब मेरे जाने की भी तैयारी हो गई प्रभु जी। इसमें कैमरा आ जाएगा, ये कैप रास्ते में और उसके काम आएगी ये। तो प्रभु जी अभी हम 15,000 फीट हाइट पर हैं गंगोत्री से भोजबासा, और भोजबासा के बाद बिल्कुल चढ़ी खड़ी चढ़ाई अभी आपको दिखाएंगे चलते समय। और अभी हम यहां से जाएंगे, पूरी वॉल उतरेंगे, गौमुख जाएंगे, एक बार और आपको गौमुख के दर्शन कराएंगे, फिर भोजबासा होते हुए गंगोत्री ले चलेंगे। अभी नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, तो बहुत लंबा आप लोगों से गैप भी हो गया है, आगे सब ठीक होगा। तो देखिए ये सब मनी बाबा की कुटिया में सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो तपोवन को विदा, अलविदा, फिर कभी आएंगे बाबा जी की इच्छा हुई तो। अलविदा तपोवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम प्रभु जी। गौमुख के पास तक आ गए हैं, अभी एक नदी पार करेंगे और गौमुख पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे प्रभु जी, ये कच्ची मिट्टी के पहाड़ और पत्थर, और ये तेज हवा से गरक रहे हैं, दरक रहे हैं, और ये देख रहे हैं ये धुआं निकल रहा है। हाँ, अभी मैंने कहा विश्राम कर लूं और आपको दिखाऊं ये पहाड़ियां जो हम क्रॉस करके आए हैं। हाँ, और हमने तपोवन से गौमुख की ओर हम आने वाले हैं। ये धूप है लेकिन बर्फ जैसी हवा चल रही है, बर्फ जैसी ठंडी हवा, कोई रास्ते नहीं, मिट्टी के पहाड़ और उसके पीछे है तपोवन। तो हम लोग 6 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आ गए नीचे और अभी लगा विश्राम करते हैं। ये आवाज आ रही है नदी की, चलते हैं एक बार फिर से गौमुख और गौमुख की यात्रा का आनंद कराएंगे आप मेरे साथ। गौमुख के उस केव का आनंद लीजिए। प्रभु जी 2 दिन में ये सब पपड़ी पड़ गई, चेहरा ऐसा हो जाता है 2 दिन। -9 टेम्परेचर था कल, ये बर्फ की हवाएं, ये सूर्य की गर्मी, चेहरा तो आपका फिर वैसा हो ही जाता है प्रभु जी। तो अब चले, आपको ले चलते हैं गंगा जी के उद्गम स्थल पर। इस पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण, चलिए। हरिओम हरिओम। ये देखिए ग्लेशियर, और यहां से आके आप देख पाते हैं गौमुख। ये है देखिए गौमुख, और ये अंदर से यहाँ से देख रहे हैं आप,
ये गंगा जी निकल रही हैं, ये देखिए, ये केव है, गुफा है, गुफा से निकल रही है और ये कई किलोमीटर अंदर तक, एक सुरंग है, उस सुरंग से आ रही है और जब ऊपर से ग्लेशियर गिरता है तो ये देखिए बर्फ़ हो रही है, ये ऊपर से गिर रहा है और ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये है अंदर, ये ग्लेशियर है, ये गौमुख है, ये देखिए ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, ये गुफा है, ये देखिए। हरिओम, ये देखिए प्रभु जी, हम चीड़वासा में हैं और चीड़वासा में यहाँ पे भी रात में माइनस टेम्परेचर, लेकिन ये टेंट है, इसमें अंदर कोई सर्दी नहीं लगती है। अब हम गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए टेंट निकल गया है, चारों तरफ चीड़ के वृक्ष और इसके बीच में रात्रि विश्राम, या पीछे भोजवाद भोज के भी वृक्ष हैं, चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ का देखिए कितना अच्छा ये दृश्य है, सामने पहाड़ है और इसके बीच में रात्रि विश्राम। ये चीड़वासा है, जब हम भोज गौमुख से गंगोत्री जाते हैं तो बीच में चीड़वासा आधे रास्ते पर विश्राम स्थल है। अब विश्राम के बाद अब हम जा रहे हैं अपने आगे की यात्रा पर, गंगोत्री के लिए लौट रहे हैं तपोवन से, गंगोत्री अब गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं। हरिओम।